गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज 6.11 एंड वी आर कंप्लीटेड एक्सरसाइज 6.10। देन नाउ टुडे आई विल कंप्लीट 6.11। देन स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। को ए द नंबर ऑफ थ्रीज इन 21 इज, आई मीन द नंबर ऑफ थ्रीज इन 21 इज, हमको 21 में कितने थ्रीज आएंगे, थ्री की काउंटिंग हमको करनी है, 21 कितने टाइम पर आता है, दैट्स व्हाट जो नंबर आएगा वो नंबर को हमको यहाँ राइट कर देना है। तो थ्री की काउंटिंग में 21 कितने टाइम पे आता है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। तो हमारा 21 मिल गया, कितने टाइम मिला बट 7 टाइम में, तो दैट राइट 7। सेम सिचुएशन द नंबर ऑफ 5 इन 50 इज, 5 टाइम काउंटिंग करेंगे 5 5 की, देन 50 कब आएगा, देन तो 5 10 15, सिंपली हमको यहाँ पर 10 राइट करना है। सेम सिचुएशन द ऋषि डिस्ट्रीब्यूटेड 34 स्वीट्स अमंग हिज फ्रेंड्स, इफ ही गेव 8 स्वीट टू ईच, हाउ मैनी फ्रेंड्स वेयर देयर। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऋषि ने 24 मिठाई अपने फ्रेंड के बीच में बांट दी, यदि वह 8 स्वीट्स यानी 8 मिठाई पर ईच गेव, यानी कि 8 मिठाई एक को दिया है, अपनी एक फ्रेंड को दिया है 8 स्वीट, तो उसने अपने फ्रेंड को कितनी मिठाई दी, या तो वहाँ पर कितने फ्रेंड हैं उसके, जब 24 मिठाई है और 8 एक को दे रहा है तो 24 कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो सिंपली हमको यहाँ पर डिवाइड करना है 24 डिवाइडेड बाय 8। तो सिंपली हम 8 से 24 को डिवाइड कर देंगे, जितना क्वांटिटी आएगा वो हम यहाँ राइट करेंगे। डी नंबर, अ जग ऑफ वाटर कैन फिल 7 ग्लासेस, एक जग जो 7 ग्लास पानियों से भर जाता है, द नंबर ऑफ जग्स नीडेड टू फिल 49 ग्लासेस इज, यानी कि वो हमको नंबर बताओ, यानी कितने जग की संख्या होगी जितने जो 79 ग्लास पानी जिस जगों में आ जाए। अगर एक जग 7 ग्लास पानी से भर जाता है तो 49 ग्लास पानी से कितने जग भर जाएंगे वो इसमें पूछा गया, तो हमको यहाँ पर डिवाइड करना है, ठीक है। तो 49 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ हम 7 लिखेंगे, यहाँ 49 लिखेंगे एंड डिवाइड कर देंगे, जितना क्वांटिटी आएगा वो यहाँ पर राइट करेंगे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स एंड राइट द आंसर यूजिंग द करेक्ट स्टेटमेंट। हमको ये सारी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आंसर द यूजिंग करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमको करेक्ट आंसर फाइंड करना है। देन ए नंबर, हाउ मैनी ट्राइसाइकल्स कैन बी मेड यूजिंग 93 व्हील्स। ट्राइसाइकल्स मीन्स जो तिपहिया साइकिल होती हैं, जो आपने देखी होंगी जो तीन पहियों वाली साइकिलें होती हैं, वो साइकिल होती हैं, ठीक है ना, ट्राइसाइकल्स। देन हमारे पास कितने व्हील्स हैं, यानी पहिए हैं, 93 व्हील्स हैं। 93 व्हील्स से कितनी ट्राइसाइकल्स बन जाएंगी, यानी एक साइकिल में 3 लगेंगे, तो 93 में कितनी साइकिल बन जाएंगी, तो हमको 3 से 93 को डिवाइड कर देना है, तो हमारे साइकिल आ जाएंगी, ठीक है। बी नंबर, मिस्टर पटेल पैक्ड 5 कैंडल्स इन अ बॉक्स। मिस्टर पटेल ने एक बॉक्स में 5 कैंडल पैक की, देयर वेयर 60 कैंडल, वहाँ पर 60 कैंडल्स हैं। हाउ मैनी बॉक्सेस विल बी नीडेड, उनको पैक करने के लिए 60 कैंडल कितने बॉक्स की नीड होगी, सेम प्रोसेस 5 से डिवाइड कर देंगे 60 को, तो बॉक्स की नंबर आ जाएगा, ठीक। सी नंबर, आर रूरल कॉस्ट 6 रुपीज, यानी एक स्केल की कीमत रूरल की 6 रुपीज है। हाउ मैनी सच रूल कैन बी बॉट फॉर 84 रुपीज, 84 रुपीज में कितने रूरल मिल जाएंगे हमको, रूलर्स कितने मिल जाएंगे, तो हमको इसको डिवाइड कर देना है, यानी कि अकॉर्डिंग यहाँ से आई तक हमको सारे में डिवाइड ही करना है। देन डी नंबर, हाउ मेनी सेंटेंस ऑफ 7 वर्ड कैन बी मेड फ्रॉम 777 वर्ड्स। हाउ मेनी सेंटेंस ऑफ 7 वर्ड, यानी कि कितने सेंटेंस बनेंगे 7 वर्ड से, एक सेंटेंस हमको लिखना है जिसमें केवल 7 शब्द हों, 7 वर्ड हों, तो हमारे पास वर्ड कितने हैं 777, तो इनमें से कितने सेंटेंस बन जाएंगे, तो इसको डिवाइड कर देंगे।
सिक्स 72 ऑरेंज आर पैक्ड इक्वली इन सिक्स वुडन बॉक्स, यानी कि 672 ऑरेंज बराबर बराबर सिक्स वुडन यानी सिक्स लकड़ी के बॉक्स में बराबर बराबर बांट के पैक कर दिए गए हैं। विथ एन इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंज इन ईच बॉक्स, और सभी बॉक्स में बराबर बराबर ऑरेंज हैं, तो हाउ मैनी ऑरेंज आर देयर इन ईच बॉक्स, तो एक बॉक्स में कितने ऑरेंज हैं, तो हमको सिक्स से इसको डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 576, इफ़ वन ऑफ देम इज 8, फाइंड द अदर। एक प्रोडक्ट जो दो नंबरों का है वो हमारा 576 है, इफ़ वन नंबर इज 8 तो फाइंड अदर, यानी दो नंबर को मल्टीप्लाई हमने किया तो आंसर हमारा इतना आया, उनमें से एक नंबर हमारा 8 है तो दूसरा कौन है। यहाँ हिंट दिया गया अदर नंबर इज डिवाइडेड 8, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, जितना क्वांटिटी आएगा वो हमारा सेकंड नंबर होगा, ठीक है ना, तो उसको उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा इतना आ जाएगा।